हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको एचपी टेट के लिए फॉर श्योर काम करने वाली हैं। तो जैसे मैं हर वीडियो में अपनी कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की वैल्यू जो है अपनी रहती है एग्जाम में, तो ये क्लास प्लस टू की एनसीईआरटी है और ये क्लास प्लस वन की एनसीईआरटी है। दोनों ही बुक्स जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हो। दोनों बुक्स जो है पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें सारा सिलेबस कवर होता है। क्योंकि अगर आपने वेबसाइट पे देखा होगा सिलेबस एचपी टेट के लिए, तो वहाँ पे जस्ट ये मेंशन किया होता है कि 60 मार्क्स की आपको बायोलॉजी आएगी। वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक्स मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे जो सिलेबस होता है वो क्लास प्लस वन और क्लास प्लस टू का होता है। तो क्लास प्लस वन के चैप्टर्स जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 22 हैं, जिसमें लास्ट की जो टू यूनिट्स हैं दैट इज़ वन यूनिट फॉर प्लांट फिजियोलॉजी एंड वन यूनिट फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी, दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। हम मोस्ट लेक्चर्स इन पे डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली जब हम यहाँ पे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात करते हैं। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और ये वाली यूनिट थर्ड यूनिट जहाँ से सेल डिविजन, सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बायोमोलिक्यूल, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्लस वन का सिलेबस। बात करें क्लास प्लस टू की, तो यहाँ पे जो सिलेबस है टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे ये वाले जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है थोड़ी सी टफ जो है स्टूडेंट्स को लगती है, बाकी कंपैरेटिवली सारी इजी है। चैप्टर थ्री ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेकेंड चैप्टर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो माइक्रोब्स वाला यूजेस उनके आते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और यहाँ पे इकोलॉजी वाला पोर्शन, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बात होगी कि एनसीईआरटी क्लास प्लस वन और क्लास प्लस टू की। इसके साथ ये एक बुक आती है लखनपाल की, ओमेगा पब्लिकेशन की, एचपी टेट के लिए। इसमें सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। सारा सिलेबस तो आपको इसमें नहीं मिलेगा, बट अप्रॉक्सीमेट 50% सिलेबस इसमें कवर्ड है। नेक्स्ट, ये तो आपको अपने साथ हमेशा रखना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन रीसेंट आप लोगे तो आपको रीसेंट जो लास्ट पेपर हुआ है वहाँ तक का क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएंगे। और ये जो ओमेगा पब्लिकेशन का ये क्वेश्चन बैंक है ये आपको लेना है। इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो मटेरियल देके रखा हुआ है विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है, तो ये पहले इन्होंने पेपर एमसीक्यूज दिए हैं, उसके बाद हिंट्स एंड सॉल्यूशन। बेस्ट चीज़ क्या है इस बुकलेट की, यहाँ पे हिंट्स भी दे के रखे हुए हैं सॉल्यूशंस के साथ में, राइट। ये इसकी एक थोड़ी सी बेस्ट क्वालिटी है। पहले ओमेगा वालों का जो प्रीवियस, इससे पहले जो क्वेश्चन बैंक आता था उसमें हिंट्स नहीं थे, अभी इन्होंने एक नई चीज़ ये ऐड करी है। अब ये लूसेंट की जर्नल साइंस की बुक आती है, देखो ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल दे के रखा है, बट इसमें दिक्कत ये है कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ऐसे पैराग्राफ आपको पढ़ने पड़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। ये देखिए बायो सेक्शन में कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, देखिए ये पैराग्राफ्स कितने बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इन पैराग्राफ से क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ी सी इसके साथ, इस बुक के साथ दिक्कत है। और एमसीक्यूज़ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 405 एमसीक्यूज़ दे के रखे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में ये एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी। साथ में एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जो लूसेंट की एक जर्नल जीके की बुक आती है वो भी अप्रॉक्सीमेट इतने ही साइज उसका है, उसमें जो साइंस सेक्शन में बायोलॉजी सेक्शन है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। वो बहुत कंसाइज्ड है और वो ज़्यादा इसमें डीप चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, लूसेंट की जो जर्नल जीके की बुक है वो ज़रूर एक बार पढ़ लें। वो अदरवाइज आपको जीके सेक्शन केमिस्ट्री के लिए और अदर उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको कुछ एनसीईआरटी के इस तरीके से क्वेश्चन, टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैप्टर्स क्लास प्लस वन एंड क्लास प्लस टू से हम कर चुके हैं और हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज हमने इसमें
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो लोग फॉलो करते हैं चैनल, और मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दूंगी प्लेलिस्ट के जो कि इंपॉर्टेंट है। और यही था बुक्स के बारे में जो आपको बताना था। हम लोग जो है एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे टारगेट एचपीटेट 2021 की, जो हमने सीरीज शुरू की है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।